हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी आप देख सकते हो शाम का वक्त हो गया है और अभी मैं जा रही हूँ शाम का खाना बनाने की तैयारी करने। उसके पहले मैं जो है वो अभी मुझे चिकन लेने जाना है बाहर मार्केट में, तो मैं अभी वो मार्केट में आ जाऊँगी लेने के लिए। और आज मैं चिकन जो है वो अलग तरीके से बनाऊँगी। हमेशा तो मैं वो जो नॉर्मली जो हम लोग बनाते हैं मिक्सी में पीस के मसाला वैसा बनाते हैं, बट आज जो मैं बनाऊँगी उसे मैं उसका मसाला मैं जो है सील बट्टे पे पीसूँगी, जैसा कि जैसा जो हमारे गाँव में बनाते हैं पीस कर वैसा। तो आप मेरे वीडियो में बने रहिए और पहले मैं फटाफट से जाके चिकन लेके आती हूँ। तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी चिकन तो लेके आ गई हूँ और अभी चलिए इसे फटाफट से जो है साफ कर लेते हैं। तो अभी जो है चिकन साफ हो गया है। मैं इसमें हल्दी और नमक डालकर थोड़ी देर के लिए रख दूंगी और तब तक मैं जो है मसाला जो है वो तैयार कर लेती हूँ इसमें डालने के लिए। तो चलिए सील बट्टे पे जो है मसाला पीसते हैं। पहले मैं इसमें हल्दी नमक लगा कर रख दूँ। तो अभी मैंने मसाला तैयार कर लिया है। यहाँ पर मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, जिसमें मैंने लिया है जीरा, धनिया और जो गरम मसाले होते हैं लौंग, इलायची, काली मिर्च, ये सब मैंने लिया है। इसे मैं पीसूंगी। और यहाँ पर मैंने लिया है लहसुन, अदरक और कांदा, तो प्याज को ये सब को मैं अच्छे से पीस कर इन सब का पेस्ट बनाऊँगी। तो चलिए चलते हैं सील बट्टे पे। तो अभी मसाला पीस गया है, अब चलिए बनाते हैं अपना चिकन। तो गैस पर मैंने अभी पतीला चढ़ा दिया है और पतीला गरम होने पर मैं इसमें डाल दूंगी राई का तेल। तो राई का तेल थोड़ा गरम होने में टाइम लगता है, तो जब तक वो गरम होता है मैं यहाँ पर प्याज को काट लेती हूँ। तो मैंने प्याज भी काट लिया है। अब राई का तेल गरम हो गया है तो मैंने इसमें डाला है दो तीन तेज़पत्ता
फिर मैंने इसमें डाला है प्याज। प्याज को मैंने लंबे लंबे आकारों में काटा है। तो ये देखिए प्याज हमारा अब लाल होने तक हम इसको भूनेंगे। और यहाँ देखिए प्याज हमारा लाल हो गया है, तो मैं अब इसमें चिकन डालकर भून लूँगी थोड़ी देर के लिए। चिकन को हम ज़्यादा नहीं भूनेंगे, थोड़ा सा ही भूनेंगे, क्योंकि चिकन बहुत जल्दी ही भून जाता है। तो ये देखिए चिकन हमारा भुनने भी लगा है। तो अब मैं इसमें जो मैंने मसाला जो पीस कर रखा है वो मैं इसमें डालूँगी। मसालों को अच्छी तरीके से भूनने के बाद मैं उसमें डालूँगी हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, नमक, और उसे भी मिलाकर मैं अच्छी तरीके से भूनूंगी। ये देखिए हमारे जो मसाले हैं वो तेल भी छोड़ने लगे हैं। थोड़ी देर तक मैं इसे ढककर पकाऊंगी ताकि जो मसाले हैं वो अच्छी तरीके से भुन जाए। तो आप देख सकते हो मसाले हमारे भुन गए हैं, मसालों में से तेल जो है वो अलग हो गया है। तो अब मैं इसमें 1 से 1.5 कप तक पानी डालूंगी। ऊपर से मैं थोड़ा सा गरम मसाला भी छिड़क रही हूँ ताकि जो उसका फ्लेवर है वो और भी अच्छा आए। तो ये देखिए मैंने गरम मसाला छिड़क दिया है। अब मैं इसे ढककर 15 से 20 मिनट के लिए रख दूँगी और ये हमारा चिकन जो है वो बन जाएगा। और ये चिकन जो है बहुत ही अच्छा बना था, क्योंकि मैंने जो मसाला है वो सिलबट्टे पर पीसा था और सिलबट्टे का मसाला जो है उसका टेस्ट कुछ अलग ही होता है। मैं जब भी चिकन या कुछ भी ऐसा बनाती हूँ तो मैं उसका मसाला जो है सिलबट्टे पर ही पीसती हूँ ताकि जो वो और भी स्वादिष्ट बने। तो यहाँ देखिए अब मैं जो आटा लगाने जा रही हूँ रोटी बनाने के लिए। जब हम किचन में रहते हैं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ खाना ही बनाना रहता है, खाना बनाने के अलावा भी बहुत सारे काम रहते हैं। साथ में जो सिंक में थोड़े बर्तन हैं वो भी मैं साथ साथ में धुल दे रही हूँ ताकि सिंक जो है वो खाली हो जाए। तो मैं अब आटा लगा लूँगी रोटियाँ बनाने के लिए। और यहाँ पर मैं 2 तरीके का आटा लगाती हूँ। एक आटा जो होता है वो मिक्स वाला, जो मिक्स ग्रेन जो होता है उसका मैं बनाती हूँ, और एक जो है नॉर्मल वाला आटा जो होता है गेहूँ का आटा वो मैं लगाती हूँ। किचन को मैनेज करना ये बहुत ही बड़ा टास्क होता है हम हाउसवाइफ के लिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ खाना बनाना हो, साथ साथ में जो दूसरे काम भी आ जाते हैं, जैसे कि अभी बर्तन जो सूख गए होते हैं उन्हें जमा कर रखना, फिर स्लैब को साफ़ करना, फिर क्या सामान है घर में क्या नहीं है, किचन में क्या कल खाना क्या बनाना है उसके लिए क्या चाहिए, ये सब भी किचन में फिर ला के रखना पड़ता है। फिर पानी भरो, पानी जो है अगर एक दिन पानी नहीं आया तो वो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, उसके लिए भी अलग से पानी भर कर रखो। फिर किचन का एक हिस्सा फ्रिज भी होता है, फ्रिज को भी साफ़ रखना हमेशा, सब्जियों को साफ़ करना, फिर कल क्या बनाना है, कौन सी सब्जी बनानी है वो सब सब्जियां लाना, फिर अगर किसी की डिमांड हो कि कुछ और बना दो तो वो भी लेकर आना, तो ये भी एक बड़ा टास्क होता है। फिर बर्तनों को साफ़ करना, और सबसे बड़ा काम तो जो होता है जो किचन में जो ये तेल के जो छींटे पड़ जाते हैं उनकी गंदगी जो जम जाती है वो वीकली वो साफ़ करना। तो सिर्फ किचन में खाना बनाने का काम नहीं होता है, उसके अलावा बहुत सारे हजारों काम निकल आते हैं। जो घर में हाउसवाइफ होगी उन्हें तो ये सब पता ही होगा, जिस घर में 1 से 2 औरतें होती हैं वहाँ पर तो काम जो है ईजिली हो जाता है, लेकिन जो औरतें अकेले रहती हैं और साथ में बच्चों को भी संभालना पड़ता है तो उनके लिए ये बहुत बड़ा टास्क होता है। और काम वैसे सभी करते हैं, अपने घर का काम तो करना ही चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि जो हाउसवाइफ होती हैं उनके काम की कोई वैल्यू नहीं कोई करता है। बच्चों को संभालना, घर को संभालना, ये सब कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। एक हाउसवाइफ ही जानती है कि वो दिन भर में कितना काम करती है। मेरे साथ तो ऐसा बहुत होता है, कभी कभी ऐसा मतलब काम में मैं बिज़ी हो जाती हूँ कि मैं सुबह का नाश्ता है वो भी नहीं करती हूँ, डायरेक्ट मैं खाना ही खाती हूँ। तो फ्रेंड्स, घर में अगर हाउसवाइफ है, आपकी माँ है, आपकी बहन है, या फिर आपकी पत्नी है, तो उनकी इज्जत करिए, उनकी वैल्यू करिए। अगर वो खुश रहेंगी तो आपका घर भी हमेशा खुशहाल ही रहेगा। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक करिए।
और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, और हाँ, अगर आपके घर में हाउसवाइफ है तो उनका भी ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।